گورنر سندھ عشرت العباد خان اور سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے فیس دو کا معائنہ کیا۔ اس معائنے کے ساتھ انہوں نے شاہ فیصل ٹاؤن میں 100 بستروں کے کارڈیک ایمرجنسی سینٹر کا افتتاح کیا۔ لانڈھی ٹاؤن میں 100 بستروں کے میٹرنیٹی ہوم اور سرد خانے کے علاوہ 50 بستروں کے کارڈیک ایمرجنسی سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ سٹی ڈسٹرکٹ حکومت کراچی نے یہ 4 بڑے منصوبوں کو تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہاسپٹل تو یونٹ 1 پہلے موجود تھا، اس کو ہم نے آپریشن کیا، یونٹ 2 ہم نے بنایا کنسٹرکٹ کیا اس کو آپریشنل کیا، یونٹ 3 شاہ فیصل میں بنایا کنسٹرکٹ کیا آپریشنل کیا، اور یونٹ 4 بنایا کنسٹرکٹ کیا آپریشن کیا۔ بھائیو بزرگوں دوستو، کراچی میں ایک کارڈیو ہاسپٹل ہوتا تھا اور ہارٹ کے پیشنٹ کو کے لیے شروع کے 5 سے 10 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے۔ اگر اس کو 10 منٹ کے اندر ٹریٹمنٹ مل جائے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے بچنے کے، ادروائز
अगर डिस्टेंस लंबा हो और अगर देर हो जाए तो फिर बहुत सारे मरीज जो है वो उनकी उनको उनकी जान चली जाती है। और हमें पता है इस फैक्ट का कि ये लांडी और कोरंगी के इस इलाके से कार्डियोवैस्कुलर का सफर जो है वो घंटों का सफर होता था। कितने मरीज बेचारे रास्ते में उनकी जाने चली जाती थी, वो अस्पताल पहुंच भी नहीं पाते थे, खास तौर पर अस्पतालों के प्रोजेक्ट के हवाले से। तो हमेशा जो है वो अल्ताफ भाई की जो है वो कोई ना कोई कॉल जरूर आती। और उस दिन जब मैंने उनको बताया कि हम कितने सस्ता इलाज कर रहे हैं तो बहुत खुश हुए। और उन्होंने उस दिन एक बात की थी कि ये जब उनको ये पता चला कि 5 से 10 मिनट का टाइम बड़ा क्रूशल होता है और मरीजों को जल्दी जो है वो अस्पताल में पहुँचना पड़े, तो फिर उन्होंने उस दिन मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी बाकायदा कि मुस्तफ़ा मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों और सालों में कुछ करो ना करो, ये जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं कराची में जहाँ से मरीज अस्पतालों तक पहुँच भी नहीं पाता, मैं वहाँ पर ये तमाम इस तरह के हॉस्पिटल उनकी जगहों उनके टाउन में ही मैं देखना चाहता हूँ। वो दिन है, हमने उस दिन से बगैर किसी को बताए इस काम को शुरुआत की, हमने इस काम की शुरुआत की। और आज अल्लाह ताला के सामने सुरखुरु होकर खड़े हुए हैं कि जो लांडी कोरंगी का इलाका और बिन कासिम का इलाका, ये ऐसी जगह पे है जहां पर लांडी टाउन, कोरंगी टाउन और बिन कासिम टाउन की ये 10 मिनट्स की ड्राइव पे है ये जगह। और जो शाह फैसल वाली जगह है वो मलीर टाउन और शाह फैसल टाउन और कुछ पार्ट गुलिस्तान जौहर के 10 मिनट्स की ड्राइव पे वो जगह। तो 6-3 टाउन उधर के और 3 टाउन इधर के इन दोनों सेंटर से जो है वो कवर हो रहे हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र बजा लाता हूं। और इसी तरह से फिर KIHD फेज 2 हमने 1 वीक पहले उसे खोल दिया। तो आज 3 जहां पर कंसीव करना, जहां पर एक भी अस्पताल मौजूद नहीं था, आज सिर्फ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर बैनर के तले कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस फेज 1, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस फेज 2, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस फेज 3 और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस फेज 4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होकर आज वहां पर मरीज फैजयाब होना शुरू हो गए। जब हम आपके सामने आज सुरखुरु होकर यहां पर खड़े, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र बजा लाते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं इस हवाले से। सबसे पहले मैं आपको, आप सबको बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपके इलाके में, जिसमें शायद आपने कभी इतनी बड़ी फैसिलिटीज का तसव्वुर भी ना किया हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सरपरस गवर्नमेंट ने और सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम और टाउन नाजमीन ने मिलकर जो तोहफे आपको दिए हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग हैं और आप लोगों को ये तोहफे मुबारक हैं।